students in this quarter. Today my topic is MS Excel. MS Excel एक spreadsheet program है जो Microsoft के जरिए develop किया गया. MS Excel में हम multiple task perform करते हैं, जैसे formula, graphical data representation के लिए हम MS Excel इस्तेमाल करते हैं. MS Excel इस्तेमाल करने से पहले हमें spreadsheet के बारे में पता होना चाहिए कि what is spreadsheet. स्प्रेडशीट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज और एनालाइज करते हैं. स्प्रेडशीट का लफ्ज स्प्रेड का मतलब है, स्प्रेडशीट में से स्प्रेड का लफ्ज न्यूज़पेपर से रिलेट किया गया है, जिसका मतलब है दो पेपर्स को आपस में इस तरह स्प्रेड करना कि वो एक नजर आए. स्प्रेडशीट प्रोग्राम में हम तीन टाइप्स के डाटा एंटर कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज टेक्स्ट. टेक्स्ट वो डाटा होते हैं जो अल्फाबेटिकल होते हैं, जिसे हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. सेकंड वन इज न्यूमेरिक डाटा. न्यूमेरिक डाटा ऐसे डाटा होते हैं जिन्हें हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं. थर्ड वन इज फार्मूलाज. फार्मूलाज हम अपने डाटा को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी हम अपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं. अब बात आती है कि स्प्रेडशीट किसके कॉम्बिनेशन से बनता है. स्प्रेडशीट जो है रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन से क्रिएट किया जाता है. जब रोज और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉक्स क्रिएट करते हैं, जिन्हें हम सेल कहते हैं. ये थी एक्सेल की डेफिनेशन. नेक्स्ट वीक हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे. थैंक यू सो मच.